देखिए, सबसे पहले वाजे कर दूं, मैं जो मेरा चैनल पे वीडियोस डालते हैं मिनिमम फ़ीस पे, डिस्टेंस पे और मेग्रेशन पे मेरे फ़ीस होती है और मेरा कोई बिकने के बाद कमीशन नहीं होता है। तो जो भी कांटेक्ट करना है मेरी मिनिमम फ़ीस पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। आज जो है जो घर बता रहा हूँ आपको, शेख की मस्जिद और इटली होटल जो फेमस एरिया बन रहा है फ्लाईओवर आने के बाद, वहाँ से मैं आपको रिटर्न का घर से आते समय बता रहा हूँ। ये अकबर डेयरी प्रोडक्ट के बिल्कुल बाजू से है, सामने से रहेगा, आप लोकेशन वगैरह देख लीजिए। और ये घर का अभी प्रेजेंट ख़रीदने के बाद भी आपको एक 15,000 रुपये किराया इसी कंडीशन में आएगा। अगर आप डीमोलिश करके बनाएंगे तो काफ़ी बड़े उसमें होगा। यहाँ की वैल्यूएशन 40,000 रुपये गज चल रही है और ये घर बना बनाया हुआ, किराया चालू है। आप बैठक में कम भी होएगा जो रेट बता रहे हैं भाई उसमें, तो आप एरिया सर्वे कर ले फिर कॉन्टैक्ट करें, पूरा डिटेल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेट्रो रियल इस्टेट हैदराबाद। मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनेद, एक लो बजट का अच्छा रेसिडेंशियल एरिया में आपको एक फ्लैट मकान लाया हूँ जो बिकने के लिए है। और बिल्कुल रोड से, सब रोड से देखिए, मेन रोड इटली होटल और ये शाह तिगलकुंटा रोड, शेख की मस्जिद को जो रोड कनेक्ट होती उसी पे आपको एक यहाँ पर देखेगा अकबर डेयरी प्रोडक्ट बोल के बहुत बड़ी दुकान है, उसी के सामने की गली है। बिल्कुल गली के सामने देखिए आप, बिल्कुल ये घर है जो फेस भी रहेगा, आपको अंदर से भी बताऊँ तो देखिए ये एरिया के हिसाब से जो रेट बताएंगे भाई, मैं समझता हूँ रिजनेबल है, उस पर भी नेगेशियबल रहेगा। तो मैं आपको घर बता देता हूँ, फिर ओनर माजिद भाई मेरे साथ है तो उनसे भी बात करेंगे। अभी मैं आपको घर के अंदर ले जा रहा हूँ, सामने फेस देख लीजिए आप लोग। ये घर बिल्कुल अभी किराए पे भी जा सकता है, अगर कोई डीमोलिश करके नया बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी रहेगा, क्योंकि नीचे का हिस्सा जो है किराए पर दिया गया है। ये पुरानी इमारत है जो लेकर अगर तोड़ के बनाना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बनेगा। और अभी कोई प्रेजेंट रख कर भी अगर इसका किराया लेंगे तो किराया भी आएगा, क्योंकि मैं इंटर हो रहा हूँ। देखिए नीचे एक पोर्शन बना हुआ है जो दिख रहा है आपको, ये साइड ये किराए पे गया हुआ है। इसका लेंथ लंबी है भाई, लेंथ कितनी है बोले भाई पे? 60 फीट है। फेस सामने 15 आ रहा है, तो 15 से 16 आ रहा है। और ये देखिए घर जो बना हुआ है अभी किराए पे दे सकते हैं आप लोग, नीचे का हिस्सा। और ये एक सेक्शन है जहाँ किराया आ रहा है, माशाल्लाह माई पे ये किराए पे दिए हुए। इसका कितना है? 5,000 रुपये आ रहा है, 5,000 रुपये किराया आ रहा है, बता रहे हैं भाई। और ये एक पोर्शन, ये एक रूम है, ये एक बड़ा, ये किराए पे दिया आप देने का? नहीं नहीं, ये ओनर ही रहते इसमें, मतलब साले साहब। अच्छा ठीक है, चलिए इंशाल्लाह। तो ये भी किराए पे दे सकते हैं खाली होने के बाद, खरीदने के बाद। तो ये देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ हैं आपको, ग्राउंड फ्लोर के दो पोर्शन है, जैसा ये एक पोर्शन देख रहे हैं आप। ये पोर्शन का भी भाई अभी ओनर ही रह रहे हैं तो। और ये जो है पोर्शन इधर जो स्लैब दलावा है यहाँ पर ऑलरेडी किराए पे जा चुका है नीचे का, ये एक पोर्शन है ऊपर का। यहाँ देखिए ये किचन वगैरह है, मतलब यहाँ पर अगर माजिद भाई आप लोग रह रहे हैं, ये अगर कोई खरीदने के बाद भी किराए पे देंगे तो किराया कहाँ तक आएगा ये पोर्शन का? 5-6 हज़ार तक आ रहा है। चलिए 6,000-5,000 की उम्मीद कर सकते हैं आप। ये देखिए रूम वगैरह बड़े हैं, घर में अभी लोग हैं इसलिए मुनासिब नहीं है पूरी वीडियो लेना। इसी हालत में भी आप खरीद कर अगर किराए पे देते हैं तो आपको किराया चालू रहेगा भाई, मैं पूरा किराया टोटल आपको बोलूंगा वीडियो में कितना आएगा भाई से बात करके। तो देखिए अभी मुनासिब नहीं है अंदर का लेना क्योंकि फैमिली रह रही है। तो आप प्रेजेंटली जैसा मैं बताया आपको, सामने जो है स्लैब पे है, बिल्कुल वॉल स्लैब पे है, पिलर नहीं है। और ये सीढ़ियाँ हैं और ये एक पोर्शन ग्राउंड पे है। तो ये 60 फीट लंबाई में है और 15 से 16 फीट कुछ फेस पे आ रहा है भाई। ये देखिए हल्की सी जो पुरानी टाइप की कंस्ट्रक्शन है, ये बगैर प्लानिंग के बनाया गया है तो इस वजह से नहीं है। अगर कोई लेके नए तरीके से डिमोलिश कर इसको बनाएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि बिल्कुल ये रेजिडेंशियल इलाका है, इटली होटल और शेख की मस्जिद की जो रोड है जी, अल्हम्दुलिल्लाह फेस देखिए रोड काफ़ी चौड़ी है। आप देख सकते हैं जो बाजू भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं आपको बता रहा हूँ मैं, ये देखिए। और बाहर बाजू भी जो घर है बहुत प्यारे घर है, देख सकते हैं आप सामने जो बने हैं पूरे RCC के, ये कि एक दो घर है जहाँ पुराना कंस्ट्रक्शन है, बाकी के लेटेस्ट बने हुए पूरे।
ये देखिए आप बिल्कुल घर के बाजू का हिस्सा बता रहा हूँ मैं आपको। माशाल्लाह यहाँ भी बहुत प्यारी बिल्डिंग है, और ये साइड में भी जो है आपको नए घर आए हैं, और ये जो घर है बिल्कुल आपको ये है। तो देखिए माजिद भाई मेरे साथ है, जैसा आपको बताया मैं, माशाल्लाह ये घर है, ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, अगर कोई डिमोलिश भी करके अगर इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन अभी पुरानी इमारत है। अगर इस पर भी आपको किराया खरीद कर किराए पर देंगे तो तीन पोर्शन बने हुए ऑलरेडी। तो माजिद भाई भी मेरे साथ है, इंशाल्लाह उनसे डिटेल लेता हूँ पूरा। और ये देखिए फिर एक बार बता दूँ आपको, बिल्कुल मेन रोड से थोड़ा दूर पर है, और देखिए आप कार पार्किंग वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह सिटी प्लाज़ा फंक्शनल है, उसी की बाजू पर लग के है, और कार वगैरह पूरे तरफ लगे हुए हैं, इससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि रोड कितनी चौड़ी है। तो माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, ये बस्ती का नाम? ये अंसारी रोड। अंसारी रोड, ये अकबर मिल्क प्रोडक्ट के बिल्कुल अपोजिट गली है ये। आप जी ये कनेक्ट होती रोड इटली होटल जो नया फ्लाईओवर वगैरह डल रहा वहाँ से, फिर ये शेख की मस्जिद जो मशहूर है मेन रोड पे। जी भाई ये पानी का सिस्टम कैसा है? पानी का सिस्टम देखिए 20 घंटे का कंटिन्यू। अच्छा है, मतलब मिनट्री लाइन जिसको बोलते हैं वो लाइन है, मतलब पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं कोई प्रॉब्लम। तो और ये पेपर्स के बारे में बताइए, रजिस्टर्ड है या डॉक्यूमेंट है, नोटरी है? नहीं रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री है माशाल्लाह, जरा आवाज़ आ रही ऑटो की, रोक देते। तो जी भाई रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है, और आप टैक्स वगैरह पूरा पे करेंगे, लाइट की बिल, हर चीज, नल की बिल? नल की तो बिल नहीं है जी, लेकिन टैक्स लाइट की बिल क्लियर है। अच्छा माशाल्लाह। और ये जो नल है 35 ईयर से है। अच्छा 35 साल से है माशाल्लाह, नल है, 20 घंटे का पानी है। मैं समझता हूँ ये जो एरिया है यहाँ पर अगर बोरवेल भी करेंगे तो आसानी से पानी आ जाएगा, क्योंकि लुमलाइन एरिया में आता। वाजिद भाई रजिस्ट्री है बोल रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह कोई आएंगे जेन्यून तो आप डॉक्यूमेंट शो कर देंगे। जी जी ये फेज़ में 15 से 16 आ रहा बता रहे हैं कुछ आप, और अंदर डीप 60 आ रहा, 60 है, 60 जी, 100 गज है, 100 पेपर पर। तो भाई इसकी क्या उम्मीद कर रहे हैं आप रेट के ताल्लुक से? 42 लाख रुपीज़, इस 42 लाख रुपये इसकी उम्मीद की जा रही है, इसमें कमी पेशी होगी बैठक में? चलिए मैं टाइटल में माजिद भाई का नंबर दे दूंगा, जो भी इंटरेस्टेड है आइए सामने से देख लीजिए। जैसा आपको बताया मैं, ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, आप डिमोलिश करके भी बनाएंगे तो इसको अच्छा बनेगा, क्योंकि बिल्कुल आजू बाजू देखिए बहुत अच्छे बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं। अगर आप इस पर अगर इसी तरह ख़रीद कर भी आप किराए पर देंगे तो माजिद भाई क्या किराए की उम्मीद हो सकती है पूरे घर की? नीचे के 2 पोर्शन, ऊपर 1 पोर्शन है आपका, देखिए 15-16 हज़ार रुपये, 15 से 16 हज़ार रुपये महाना आपकी उम्मीद हो सकती है किराए की। अगर आप अभी डिमोलिश नहीं करना चाह रहे हैं, ख़रीद कर रख कर भी जा रहे हैं, तो 15 हज़ार की उम्मीद आप किराए की कर सकते हैं। 42 लाख है जो बैठक में कम होगा, और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ है, जो जेन्यून है उनको पेपर्स वगैरह आके इंटरेस्टेड है आके देख लीजिए। और फिर एक बार बता दूँ, जो मुझे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं मेरे 9985750 पर कॉन्टैक्ट करें, जो मिनिमम अमाउंट होता है हमारा वही होता है, हमारा कोई कमीशन वगैरह नहीं होता, तो आप लोग हम उससे कांटेक्ट करें। तो इसी तरह चैनल से बने रहे मेट्रो रियल इस्टेट से, आपको नए नए वीडियोस आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।